हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वैसे उजाला ने मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। हाँ, और ये भी बताया होगा कि मैं उससे क्यों मिलने के लिए गया था। हाँ बताया था, इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हारी डिवोर्स का सुन के सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है। डिवोर्स से ज्यादा मुझे तो इस चीज का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ गुजार दी जो दिलो दिमाग से मेरी थी ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ, बीवी की बेवफाई का गम कितना तकलीफ देह होता है। उसकी बेवफाई अगर सिर्फ मुझ तक रहती तब तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन नवीन वो तो उसकी बेटी है। सोच भी नहीं सकता कि कोई माँ अपनी औलाद को, सोच भी नहीं सकती कि एक औरत इतनी संगदिल और बेहिस कैसे हो सकती है। बीवियों के मामले में हम दोनों भाइयों की किस्मत बहुत खराब रही है। मगर इस चीज का अफसोस तो मेरे माँ बाप को भी है। सिर्फ और सिर्फ किरण भाभी को नीचा दिखाने के लिए मेरे लिए नवाल जैसी गैर जिम्मेदार लड़की का इंतखाब किया। मगर इस सारे मामले में नुकसान तो सिर्फ मेरी बहन का हुआ ना। हाँ, लेकिन ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उजाला के साथ नहीं हुई, मेरे साथ भी हुई है। चाला बहादुर लड़की है, वो संभल गई है, लेकिन मैं उसकी तरह बहादुर नहीं हूं। मुझे उजाला की जरूरत है, उसके साथ की जरूरत है। मैंने उसे बहुत समझाया पर आप प्लीज आप उसको मनाए, वो आपकी बात तो नहीं डाल सकेगी ना। आप उसको मनाए कि मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, इंशाल्लाह मैं उजाला को राजी करने की कोशिश करती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।